कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कस किया था वो ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ बोथ इवेंट ई एंड एफ. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट एफ. तो ये हमने डिस्कस किया था और ये वाली वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, तभी जाकर के ये डिफाइन होगा, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगा. बेसिक बात है ये. अब हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं कुछ एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को लेते हैं और इस एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. एक्सरसाइज 13.1 है और इस एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 क्लास 12th का प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है और ये जो प्रॉब्लम है वो आपका है प्रॉब्लम नंबर 10. ये प्रॉब्लम ये कहता है कि दो आपने डाइस ले लिया है. आप ऐसा कीजिए, एक ब्लैक डाइस लीजिए और एक रेड डाइस लीजिए और दोनों डाइस को आप ऐसा करें थ्रो कीजिए. प्रॉब्लम आपको कहा जा रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, राइट. अब इसमें देखें कि आपका ई क्या है और एफ क्या है. ई आपका है कि जो सम ऑफ डिजिट्स आना चाहिए, जो सम आना चाहिए वो ग्रेटर देन 9 आना चाहिए, ये आपका ई है. एफ क्या है? एफ यहाँ पे आपका है कि ब्लैक डाई के ऊपर 5 आना चाहिए, राइट. यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले जब दो डाई को आप थ्रो करते हैं तो उसका आप सैंपल स्पेस लिख लीजिए. तो सैंपल स्पेस क्या आएगा वो देखिए. अब आपने क्या किया है, एक आपने ब्लैक डाई लिया है और एक आपने रेड डाइस लिया है, ठीक है. ब्लैक और रेड डाइस को आपने थ्रो किया है. थ्रो करने के बाद आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इस केस में आएगा वो 36 आएगा. इस एक्सपेरिमेंट के आउटकम को मैं लिखा हूं, आप देखिए यहाँ पे ये आपका ब्लैक डाइस के डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो येलो से लिखा गया है वो आपका जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेड डाइस के डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आउटकम में आया है. तो जब हमने फेंका तो क्या हो सकता है आउटकम 1-1, फिर अगला वाला 1-2, अगला वाला 1-3, ऐसे करके जाएगा. टोटल कितने हो जाएंगे, 6. इसलिए मैंने सारा तो मैं दिखा नहीं सकता तो मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया. अगले में देखिए, अगले में ये वाले का कौन कौन सा आउटकम होगा, 2-1, 2-2, 2-3 से लेकर 2-6 तक, इसी तरह से 3-1 से लेकर 3-6 तक, 4-1 से लेके 4-6 तक, 5-1 से लेके 5-6 तक, 6-1 से लेके 6-6 तक, ठीक है, जो कि मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखा रखा है. मेरे ख्याल से आप लोगों को सैंपल स्पेस कैसे लिखा गया ये समझ में आ गया होगा. अब देखिए यहाँ पे हमारा इवेंट ई और इवेंट एफ क्या है. ई जो है यहाँ पे सम ग्रेटर देन 9 आना चाहिए. एफ क्या है यहाँ पे, एफ हमारा जो है कि जो ब्लैक डाई पे जो है वो आपका 5 होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज अकर्ड, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5. तो मैं सबसे पहले एफ लिख देता हूं क्योंकि हमने जो डिस्कस किया हुआ है वो ये डिस्कस करा हुआ है कि हमारे को एक नया सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए. उसमें जो नया सैंपल स्पेस होता है वो एफ होता है, राइट. तो हम लोग एफ को लिख देते हैं. तो एफ क्या कर रहा है कि एफ वो इवेंट है जिसमें कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5. इवेंट एफ क्या है, फिर से देखिए, इवेंट एफ है कि ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए. ये 5 आया ब्लैक डाई पे, 1 आ गया किस पे, रेड डाई पे, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6. तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि आपके इवेंट एफ में होंगे, राइट. अब हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ बोथ. ई यहाँ पे है सम ग्रेटर देन 9, एफ ब्लैक वाले डिजिट पे 5 आना चाहिए. ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो गया, इवेंट ई जिसमें कि सम ग्रेटर देन क्या चाहिए, 9, और एफ जिसमें कि जो डिजिट होना चाहिए ब्लैक वाले डाइस पे क्या होना चाहिए, 5. ये दोनों ही कब सेटिस्फाई हो रहा है, कंडीशन एक साथ, जब आपका 5-5 और 5-6 हो. इसका मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 2 है. कौन कौन सा है, 5-5 एंड 5-6. तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई इंटरसेक्शन एफ 2 हो गए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 36, दैट मींस 1/18. अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है जी. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ
दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिजिट 5, डिजिट नंबर 5 ऑन द ब्लैक डाइस दैट विल बी इक्वल टू कितना, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वो कैसे आएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं एफ में, 6 डिवाइडेड बाय 36 सैंपल स्पेस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया, 6 डिवाइड बाय 36 दैट मींस इट विल कम आउट 1/6। तो ये आपका अभी कितना हमने कैलकुलेट किया था, ये हमने कैलकुलेट किया था हमने यहाँ पे 1/18 और ये हमने कैलकुलेट किया 1/6। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट 1/3। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, राइट। इस तरीके से हमने निकाला क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द इवेंट ई गिवन दैट एफ हैज ऑकर्ड विल बी 1/3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन अ 5, इट विल कम आउट 1/3, ठीक है।